26वीं आईनी तरमीम मंजूर, नया चीफ जस्टिस कौन? पार्लियामानी कमेटी को 27 घंटे में फैसला करना होगा। स्पीकर की जानिब से कुछ देर में कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी, नून लीग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MQM, JUI के अरकान शामिल। सेनेट से 4 अरकान नामजद। कमेटी 2/3 से 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वजीर आजम को नाम भिजवाया जाएगा। सदर हतमी मंजूरी देंगे। किसी जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर होगा। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद आइन का हिस्सा बन गई। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज, जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा और जस्टिस याहिया अफरीदी का तीसरा नंबर। पार्लियामानी कमेटी को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायरमेंट से 3 रोज पहले फैसला करना होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को रिटायर होंगे। कमेटी को नए चीफ जस्टिस का इंतखाब कल रात 12 बजे तक करना होगा। Consequently, the bill is passed by the assembly by not less than 2/3 of the total membership of the assembly. सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हुकूमत नंबर गेम में फाते। कौमी असम्बली का इजलास पूरी रात जारी रहा। सुबह 5:15 बजे तरमीम की हतमी मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली में तरमीमी बिल के हक में 225 वोट आए। मुखालिफत में 12 वोट पड़े। हुकूमत को सेनेट में 65 वोट मिले। तरमीम की मंजूरी के बाद बिलावल ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। मौलाना फजलुर रहमान से गले मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, साबित हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मिसाक जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। हाउस में मौजूद लोग जाती अना कुर्बान करके आगे बढ़े। मुल्क पर मंडलाते खतरनाक बादल खत्म हो गए। तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। माजी में पानामा का नाम लेकर अकामा पर मुंतखब वज़ीर आज़म को सजा दी गई। अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। इंसाफ का हसूल आसान होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, जमहूरियत के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। ब्लैकमेलिंग में आकर 19वीं तरमीम करना पड़ी और अदालती इस्लाहात का रास्ता रुक गया। पूरी दुनिया में मिसाल नहीं। जज जज को लगाए और हटाए। जज लगाने का इख्तियार भी चोरी करके अपनी जेब में रख लिया। मीसाके जमहूरियत में तय किया था आईनी अदालत बनेगी। मौलाना और तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर आईनी अदालत छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम पूरे निजाम पर हमला है। आजाद अदलिया और आईन के लिए तारीख का स्याह तरीन दिन है। नामुकम्मल सेनेट और कौमी असेंबली से तरमीम की गई। अदलिया को मातहत बनाने की कोशिश की जा रही है। आजाद अदलिया को हुकूमती नुमाइंदों ने तनकीद का निशाना बनाया। आईनी तरमीम के एक भी लफ्ज़ से इत्तेफाक नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया। मुतनाज़े बातें नहीं छेड़ना चाहता। तरमीम के पहले मुसव्वदे और अब के मुसव्वदे में फर्क वाज़े है। इब्तदाई मुसव्वदा 56 तरामीम पर मुश्तमिल था। हतमी शक्ल दी गई तो 22 तरामीम का बिल बना। मौलाना की आईनी तरमीम मंजूर कराने में बिलावल के किरदार की तारीफ। कहा, इन काविशों में यकीनन PTI भी शामिल रही है। ओपोजिशन जमातों और हुकूमत दोनों को कामयाबी का क्रेडिट जाता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास मैंडेट नहीं। गैर आईनी तरमीम से अशराफिया को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आज़ाद अदलिया को महकूम कर दिया गया। इक्तदार में आकर तरामीम वापस ली गई। आवाम को अब निकलना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर इनकलाब नहीं आने वाला। कोई गलत फहमी में ना रहे, एक और तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी से आएंगे और गरूर का सर नीचा करेंगे। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह का केस की समाप्त के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। फरोग नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, चले अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने, नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा।
तीन हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाजे हो जाएगी। कौमी असेंबली में चार आजाद अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। जहूर हुसैन कुरैशी, मुबारक जेब खान, औरंगजेब खिची और चौधरी उस्मान शामिल। सेनेट में बीएनपी मेंगल के दो अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया, कासिम रोंझो और नसीमा एहसान शामिल। सरबरा बीएनपी अख्तर मेंगल की अपने दोनों सेनेटर्स को मुस्ताफी होने की हिदायत। कहा अंदाजा है दोनों मुश्किल वक्त से गुजरे होंगे, लेकिन पार्टी का असूली फैसला है, इस्तीफा न दिया तो पार्टी कार्रवाई करेगी। तहरीक इंसाफ के गुमशुदा अरकान मंजर आम पर आने लगे। जैन कुरैशी ने कहा पार्टी पॉलिसी और वालिद के कहने पर रूपोश हुआ, तरमीम की हिमायत का गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, किसी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो तो सियासत छोड़ दूंगा। सेनेटर जरका तैमूर ने कहा तहरीक इंसाफ के साथ थी, हूँ और रहूंगी, वक्त आने पर राज अफशा करूंगी। सेनेटर फैसल सलीम रहमान बोले पार्टी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा, अफवाहों की बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आदिल बाजई को कौमी असम्बली नशीद से डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत। स्पीकर अयाज सादिक ने एक और खत लिख दिया। आदिल बाजई को नाअहल करके नशीद खाली करार देने का मुतालबा मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी के मुताबिक आईनी तरमीम में वोट नहीं दिया था। चीफ जस्टिस के चुनाव के लिए 12 रुकनी कमेटी की तश्कील। नून लीग से आजम नजीर तारण, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक नामजद। पीपल्स पार्टी ने फारूक एच नायक, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ का नाम दिया। अपोजिशन से बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा, सेनेटर अली जफर नामजद। जेयूआई ने सेनेट से सेनेटर कामरान मुर्तजा का नाम दिया। एमक्यूएम के एक नाम का इंतजार। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ दायर नजर सानी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत ने इस केस में दरखास्त गुजार के वकला को दलाइल देने का मौका दिया। 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क दिए, तरमीम अभी नहीं देखी, इस बारे में कुछ नहीं मालूम। रावलपिंडी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर ताहुक्मेसानी पाबंदी। इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। जराए के मुताबिक पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा, तमाम सूबों से जजेस तैनात किए जाएंगे। जुडिशियल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तायुन करेगा। आईनी तरमीमी बिल के मुताबिक आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। जजेस तकरूरी के लिए जुडिशियल कमीशन अरकान की तादाद 9 से बढ़ाकर 13 की जाएगी। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबरा और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज जुडिशियल कमीशन का हिस्सा होंगे। विफाकी वजीर कानून, अटर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होगा। सेनेट और कौमी असम्बली से हुकूमत और ओपोजिशन के 2-2 अरकान जुडिशियल कमीशन का हिस्सा होंगे। स्पीकर पार्लियामेंट से बाहर से किसी खातून या अकलियती शख्सियत को भी रुकन नामजद करें।